नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी और कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया और कितनी जा सकती है इसकी कट ऑफ, जो कि डिटेल से आपको बताएंगे और प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ से उससे कंपेयर करके वर्तमान की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसे यहाँ पे हम बताएंगे और किस पेपर में कितने क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। मीन्स की 4 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं यदि जिस अभ्यर्थी को आ रहे होंगे उसको 6 नंबर मिलेंगे, यानी 6 क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे 2 क्वेश्चन हैं। पहले चीज़ कुछ जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे केंद्रों में जो बीएड परीक्षा प्रवेश परीक्षा संपन्न कराई गई है 1089 केंद्रों पर, और इस पर इतने अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में अपना फॉर्म भरा था 4,31,000। तो 4,31,902 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में फॉर्म फिलअप किया था यानी भरा था, और 2 पालियों में एग्जाम हुआ है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बात करनी है मुझे कि 2020 में इस कोरोना काल में जो एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि ये 8 अप्रैल का एग्ज़ाम है। पहले जो संभावित तिथि थी इसकी 8 अप्रैल थी, ठीक है, और उसके बाद ये पोस्टपोन कर दिया गया, फिर बाद में ये अब हुआ है अगस्त में, तो ये 9 अगस्त को कराया गया है। सोच सकते हैं कितने महीने बाद। और पिछले वर्ष जो फॉर्म भरे गए थे 2019 में, लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, 6 लाख, 6.25 लाख अभ्यर्थियों ने ऐसे, तो 2 लाख लगभग अभ्यर्थियों ने कम फॉर्म भरा है, ये चीज़ है फैक्टर। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यदि 2 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, 4,31,902 अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को भरा है, तो यहाँ पे लगभग लगभग 20% अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को छोड़ा भी है, ये चीज़ आप मान सकते हैं। परीक्षा में शामिल हुए सम्मिलित हुए हैं वो थे लगभग 3.5 लाख, तो 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को लगभग दिया है, 3,51,000 लगभग अभ्यर्थियों ने, ये एक डाटा है और जो कि लगभग सही है। और फ्रेंड्स हम बात करें कि इतने अभ्यर्थियों में लगभग जो गवर्नमेंट सीटें हैं वो 10,000 हैं, तो 10,000 वो सीटें हैं जो सरकारी कॉलेज होते हैं वहाँ पे आपको हर व्यक्ति को वो सीटें चाहिए होती हैं, मगर मिलेंगी कब, जब आपकी मेरिट अच्छी होगी। और मेरिट कब अच्छी होगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स 2 पाली में एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, और पहली फर्स्ट पाली एंड सेकेंड पाली। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट पाली में होता है हिंदी एंड इंग्लिश हो गया, और फिर होता है GK जिसे सामान्य ज्ञान कहते हैं, इसके 50 प्रश्न होते हैं, इसके 50 प्रश्न होते हैं, और फिर यहाँ पे होता है आपका रीजनिंग या मैथ, 50 प्रश्न होते हैं, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, जैसा कि किसी ने साइंस से डाला होगा, ठीक है, साइंस से डाला होगा, और किसी ने आर्ट से डाला होगा, किसी ने कॉमर्स से डाला होगा, उसका होगा 50। तो 200 मार्क्स का ये है, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 200 मार्क्स नहीं कह सकते, 100 प्रश्नों पे ये है और 100 प्रश्नों पे ये है, ठीक। तो 100 प्रश्नों पे ये है, पहले पाली की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पहले पाली की, क्योंकि सेपरेट कट ऑफ की बात करें तभी संयुक्त कट ऑफ निकलेगी। तो 100 प्रश्न यदि GK, देखिए यदि हिंदी किसी की अच्छी होगी, GK अच्छी होगी, तो मैथ नहीं अच्छी होगी या नहीं, रीजनिंग कम होगी जिसकी GK अच्छी होती है। तो इसलिए ये एक तरह से जो बनाई जाती है संतुलन इसका बनाया जाता है, वो बहुत ही सही बनाया गया। मोस्टली लोगों ने हिंदी में ही एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है, तो ये मान सकते हैं कुछ अभ्यर्थियों ने 45 अटेम्प्ट किए, 1/3 मतलब, यानी आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और गलत होता है तो 1/3 आपका कट जाएगा, 2 1/3 माइनस मार्किंग थी 1/3। तो इसलिए उन अभ्यर्थियों ने बहुत ही कम क्वेश्चनों को अटेम्प्ट भी किया है और रिस्क नहीं लिया है, जो एस्पिरेंट थे, एप्लीकेंट की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो तो एज ए एप्लीकेंट तो 4,31,000 थे। फिर होता है कि जो अभ्यर्थी होते हैं सभी एग्ज़ाम देते हैं, मगर कुछ एस्पिरेंट होते हैं, यानी कि जो डेडिकेटेड होते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो महत्वपूर्ण होते हैं और उसी में कट ऑफ निर्धारित होती है। यदि उनकी कट ऑफ कम गई तो डेफिनेटली सभी की जाएगी, तो मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यदि पहले पार्ट में पहली पाली में बात की जाए, पहली पाली में हिंदी इंग्लिश में यदि किसी ने 45 किए हैं, मोस्टली ने हिंदी में किया, कुछ अभ्यर्थी होंगे, और दूसरी पाली में मान सकते हैं कि GK है तो मान सकता हूँ 30 क्वेश्चन मान सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे एक एवरेज आ जाता है 75 प्रश्न का। और यहाँ पे बात कर लेते हैं रीजनिंग और आपका मैथ, तो ये थोड़ा सा लेवल की थी मैथ, और
50 प्रश्न मैं यहाँ पे मान सकता हूँ 35 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम भी होता है, ये टाइम टेकिंग होता है मैथ रीजनिंग, इसलिए 35 क्वेश्चन मान सकता हूँ। सब्जेक्ट में लोगों को दिक्कत आई है जिसमें आर्ट, आर्ट साइंस और कॉमर्स, तो इसमें 50 में मैं 25 मान के चलता हूँ, क्योंकि माइनस मार्किंग भी थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है 60 क्वेश्चन, तो प्रथम में 75, और ये जिसने सही किए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे कि हिंदी में थे, एक शुद्धवर्तनी आया था जिसके दो रिपीट क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन ऐसे थे, यानी कि जिसको वो क्वेश्चन आ रहे होंगे उसको तो 4 क्वेश्चन के नंबर मिले होंगे, और जिसे नहीं आ रहे होंगे तो उसके 4 ही गलत हुए होंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये एक्सीलेट करने वाले क्वेश्चन होते हैं कि यदि जिसको आ गया वो 4 क्वेश्चन का लाभ उठाएगा, प्रॉफिट होगा उसे, और जिसे नहीं आता उसे 4 क्वेश्चन की हान होगी। तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि रिपीट हुए हैं, तो जिन्होंने परीक्षा दी है उन्हें पता होगा। तो फ्रेंड्स 75 और 60 कितना हो गया, 135, ठीक। तो ये एक मेरे द्वारा निकाली गई कट ऑफ है, और मिनिमम की बात कर रहा हूँ, इससे कम आए तो सोच सकते हैं कि आप सरकारी सीट देखिए करेंगे तो ही, प्राइवेट में तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर जिसके 150 तक हैं तो वो श्योर समझे अपने को, उन्हें अवश्य सरकारी कॉलेज मिलेगा। यदि आप अभी देखिए 5 सितंबर को इसकी आंसर की आएगी, तब आपको चीज़ें और भी अच्छी होती हुई दिखेंगी। यदि जो कह रहे हैं मेरे 160 सही हैं, हो सकता है उसके बाद वो 140 पे आके गिरे, और जो 140 करके आए हैं वो हो सकता है कि 120-125 पे आके गिरे, क्योंकि माइनस मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस विषय पे किसी ने नहीं बात की माइनस मार्किंग पे, तो मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि माइनस मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे जो मेरे द्वारा कट ऑफ प्रिडिक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक सेकंड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जो कट ऑफ है, कि यदि अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ बात करें, यानी यूआर की बात कर लें, क्योंकि पिछले वर्ष लगभग गई थी 135, मगर इस बार भी इतनी ही रखने की मैं कोशिश करें, क्योंकि उन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया जो सीरियस नहीं थे, ये मत सोचिए कि जिसने एग्ज़ाम छोड़ दिया, क्योंकि सरकारी सीटें मात्र 10,000 हैं और एग्ज़ाम 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने दिया, ये मत भूलिए, तो कंपटीशन कम नहीं है। तो 150 मान के चले कट ऑफ, जो हाई की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ जिन्हें सरकारी सीट चाहिए उनकी बात कर रहा हूँ, 10,000 कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जो 150 लाना ही पड़ेगा, 140 से 150। और फ्रेंड्स क्योंकि इतना तो लोगों ने गुड अटेम्प्ट किया है, माइनस भी होगा, मगर हाँ मैं और भी कम यहाँ पे कर रहा हूँ, और भी कम कर रहा हूँ, क्योंकि यदि आपने 140 और 150 किए होंगे तो उसके बाद आपका कम भी होगा माइनस मार्किंग, क्योंकि 1/3 है। तो यदि आपके 135 से 40 के बीच में हैं तो आपको अच्छा गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। ओबीसी की बात की जाए तो फ्रेंड्स वो भी 130 से 135 तक मान सकते हैं गुड अटेम्प्ट, और एससी, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस, क्योंकि इसी वर्ष आया है, तो ये सब 120 तक होना ही चाहिए, 120 प्लस। तो ये मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और टेलीग्राम पे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद एक्सपीरियंस, वहाँ पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको सभी प्रकार के जो आपको डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो इसलिए आप अवश्य उसे ज्वाइन कर लें। और ये सेपरेट कट ऑफ है फ्रेंड्स, संयुक्त कट ऑफ है, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए मेरे द्वारा, जो क्योंकि जो मेरे पास डाटा है लगभग लगभग 7 से 8 हज़ार अभ्यर्थियों का डाटा है, उसी के द्वारा मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, आप सभी जानते ही होंगे, और 20% अभ्यर्थियों ने लगभग छोड़ा है। तो ये चीज़ें हैं, और 5 सितंबर को इसकी आंसर की आ जाएगी, पेपर भी आ जाएगा, मैच कर लेंगे, तब आपको रियल कट ऑफ देखने को मिलेगी एक्सपेक्टेड, तब फाइनल कट ऑफ आपको बताएंगे, क्योंकि अभी तो ये कट ऑफ है, और जब आंसर की आने के बाद कुछ क्वेश्चन होंगे आप विवादित होंगे, तब आप आपत्ति करेंगे, उन क्वेश्चन का आंसर बदला जाएगा, तो और डेफिनेटली कम जाएगी कट ऑफ इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को साझा करें, चैनल को पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दें, टेलीग्राम ग्रुप और मेरा टेलीग्राम चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें क्वेरी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय।